इंक्लाइन प्लेन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होगा, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और सच दैट सपोज इसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे फर्दर एक पुली के साथ कनेक्टेड है, तो मान लो ये एक पुली है, ये लो, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये लो, ये 15 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। आपको क्या करना है, आपको इसमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालनी है, क्या होगी सिस्टम की। सबसे पहले रूल नंबर वन, ये 15 kg का ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। फ्रिक्शन तो है नहीं, एक्सेलरेशन ए एंड ए, कोई डाउट इसमें। रूल नंबर टू, इसके अंदर क्या होगा, 15 kg का ब्लॉक नीचे है, तो 15g फोर्स कहाँ ऐड करेगी, नीचे। टेंशन अगर ड्रॉ करेंगे तो टेंशन कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंशन की वैल्यू में, टेंशन के अंदर ये रहा वेक्टर टेंशन का टी एंड टी, ऐसे यहां पे टी एंड टी, ये लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, साथ साथ ड्रॉ करना है टी एंड टी ताकि प्रैक्टिस हो, तो इतना ड्रॉ कर लें एक बार। क्लियर है, ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है। हमने इंक्लाइन प्लेन किया था, इंक्लाइन प्लेन के अंदर देखो हमने क्या किया और क्या करना है इसमें। इंक्लाइन प्लेन के अंदर हमने कुछ ऐसा किया था कि इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे, और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ऐसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, और इस 5G का एक कंपोनेंट है 5G cos ऑफ 30 ऐसे, और एक कंपोनेंट यहां बनेगा याद करो जिसकी वैल्यू क्या थी, 5G sin ऑफ 30, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते थे, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। अगर आपका कोई सरफेस प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब इस बॉडी ने वेट लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन इसलिए क्योंकि सरफेस के साथ इसने एंगल क्या बनाया, 90, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है 90। अगर आपकी सरफेस टेढ़ी है और ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा, ऐसे, ताकि सरफेस के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
क्योंकि ये ब्लॉक अपना फोर्स का कंपोनेंट यहां लगा रहा है 5G cos 30, बिल्कुल इसके नॉर्मल, तो बदले में रिएक्शन भी क्या लगेगा, नॉर्मल। तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, ये फोर्स, क्योंकि इसकी मोशन ऐसे तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5G cos 30। वैसे अगर पूछ लें तो ये वैल्यू होगी, पर हमें चाहिए नहीं है। हमारा मोशन कैसा है इसमें, हमारा जो मोशन है वो ये नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या करेंगे इसमें, 15G माइनस टी इज 15 into A। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, 15G माइनस टी 15 है। इसकी मोशन कैसे है, ऐसे है, तो हमें सिर्फ ये दो फोर्सेस चाहिए। तो अगर मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं अपने ब्लॉक का, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये जो फोर्स है ये है टी, और ये फोर्स क्या है, mg into sin of 30। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, बस यही देखना है और कुछ देखना ही नहीं है इसमें। तो इसमें ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस 5g into sin of 30 इज 5 into A, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ऐड करेंगे, टी एंड टी कैंसल, ए आ जाएगा, ए से टी आ जाएगा। डायग्राम क्लियर है, एक बार फिर से करेंगे, लेकिन करने से पहले एक चीज याद रखें, इसमें एक कॉमन मिस्टेक है, जब वेट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं 5G, 5G cos 30, 5G sin 30, काफी लोग भूल जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो मानते हैं कि कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो एक कंपोनेंट बनाएंगे 5G cos 30 इधर, और एक कंपोनेंट इधर बना देंगे गलती से 5G sin 30। मतलब अगर मैं एक वाटर स्लाइड पे बैठूं ऊपर ऐसे नीचे आने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू उन स्टूडेंट कि वो कहते हैं वेट नीचे नहीं, वेट ऊपर एक्ट करता है, तो मैं बैठूंगा, मैं पानी में नहीं गिरूंगा नीचे, मैं उल्टा ऊपर जाऊंगा, क्योंकि mg sin थीटा तो ऊपर है। ऐसा होता है कभी, नहीं होता। तो mg sin थीटा का कंपोनेंट कभी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्ट नहीं करता, हमेशा नीचे की तरफ ही करेगा, याद रहेगा यहां तक। तो mg sin थीटा हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, बात ही खत्म। चलो इसको करके देखो जरा क्वेश्चन को, सपोज ये क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये एक और ब्लॉक है, ये एक पुली है, ये 15 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये एंगल 30 degree है। आपको एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है क्या होगी। इक्वेशन में क्या आप लोगों ने ये बनाया, सबसे पहले इसका वेट बनाते हैं। चलो इसका वेट क्या है, 15G, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, टी एंड टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, टी एंड टी, यहां पर एक वेट नीचे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इतना पूरा डायग्राम ना बनाऊं ना, तो भी मैं सीधा अगर साफ सुथरा डायग्राम बनाना चाहूं,
तो ये रहा 15g, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, यहां पे स्टेट पे लिख दूंगा 2g साइन 30, और मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं क्यों ड्रॉ करूं। हाँ वैसे बनता है ड्रॉ करना, पेपर में आएगा आप करके आएंगे, पर अगर ओरली करना है तो शायद इतना सफिशियंट है मेरे लिए। हाँ वैसे अगर करना है तो क्या होगा इसमें बताओ, 2g वेट कहां ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसी है ना, ये वेट क्या है 2g, अगर ये 30 तो ये भी क्या है 30, तो ये क्या है 2g cos ऑफ 30, और ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 2g cos 30। तो इसमें ये सिस्टम नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ये 15 किलो का बक्सा है, बहुत भारी है भाई, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो 15g बड़े टी से, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है तो टी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या स्टेप क्लियर है, इन्हें ऐड करेंगे, टी एंड टी कैंसिल, यानी कि क्वेश्चन सही है, ए निकाल लेना। अब कोई स्टूडेंट कहता है मैंने गलती से ऐसे किया, इसको नीचे कर लिया और इसको ऊपर कर दिया, अब क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव आनी चाहिए थी उसके आगे साइन नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड सही आएगा, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव तो ठीक ही हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड सही आएगा, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन गलत ले लिया है, उसको उल्टा होना था, दैट्स इट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सही आएगी। क्लियर है, पहले बताओ मेथड समझ में आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन का कैसे करना है, कोई डाउट इसमें?